हेलो चैंपियंस कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग हमेशा की तरह स्वस्थ और मस्त हैं दोस्तों मैं पीके मिश्रा आपका एस एस टी एडुकेटर लेट स्कोर हंड्रेड में वेलकम करता हूं दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग ऐसी ट्रिक्स शेयर करने वाले हैं जिसकी हेल्प से ये टॉपिक आपको विद इन फाइव मिनट्स लर्न हो जाएगा क्योंकि इस टॉपिक में जो टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया की बात की गई है इसमें आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है इसको याद करने में इसको समझने में ट्रस्ट मी अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो विद इन फाइव मिनट्स आपको लर्न हो जाएगी एंड शर्त यह है कि आप प्लीज पेन और पेपर लेकर के बैठिए क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हम लोग शेयर करेंगे इसी के साथ आइए शुरू करते हैं सो आज का हमारा टॉपिक है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया सो बिफोर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन कौन से टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हुए हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोशिशें करी हैं इससे पहले हम लोग यह समझने की कोशिश करेंगे कि इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर हमें टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की जरूरत ही क्यों पड़ी राइट right? आइए देखते हैं इसमें थ्री मार्कर क्वेश्चन थ्री मार्कर क्वेश्चन हमारा बन सकता है वाई इज इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया और वाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर इन इंडिया सी थ्री मार्कर क्वेश्चन बनेगा तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा हमें टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों है पहला पॉइंट है एग्रीकल्चर हैज बीन प्रैक्टिस इन इंडिया फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स. व्हाट डज दैट मीन इसका मतलब यह हुआ कि एग्रीकल्चर हमारी कंट्री में बहुत समय से की जा रही है मीन्स अगर इसको दूसरे तरीके से हम समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चर इज द अर्लिएस्ट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड इन आर कंट्री एंड इवन इन द वर्ल्ड राइट नंबर टू सस्टेन्ड यूज ऑफ लैंड विदाउट कंपैटिबल टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हैव हिंडर्ड द पेस ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट व्हाट डज दैट मीन यानी हम लोग काफी समय से एग्रीकल्चर कर रहे हैं और हम लोग सॉयल को कंटिन्यूसली यूज कर रहे हैं क्रॉप पर क्रॉप लिए जा रहे हैं फसल उगाते जा रहे हैं बट सॉयल की हेल्थ पर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं इसकी वजह से क्या हुआ है एग्रीकल्चर यानी प्राइमरी सेक्टर का जितना डेवलपमेंट होना चाहिए हमारी कंट्री में उतना हो नहीं पाया है राइट जैसे हम लोगों को अपनी हेल्थ पे ध्यान देना होता है वैसे हम लोगों को सॉइल की हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए राइट आइए देखते हैं अब सस्टेन यूज ऑफ लैंड जैसा कि हम लोग हम लोगों ने बातचीत करी कि फसल से फसल जो किसान हैं इंडिया के लिए जा रहे हैं बट सॉइल की हेल्थ राइट जैसे कि हम लोगों को हम लोगों को अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए पोटेशियम चाहिए फॉस्फोरस चाहिए नाइट्रोजन चाहिए उसी तरीके से सॉइल को भी इन सब न्यूट्रिय की जरूरत होती है राइट right? तो इन सब कारणों की वजह से सिंस टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस नहीं हुए एज टाइम पास बाय इसलिए हमारा एग्रीकल्चर पीछे चल रहा है तो ये दूसरा रीजन है क्यों हमें रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ी तीसरा तीसरा पॉइंट हमारा तीसरा पॉइंट हमारा है इन स्पाइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोर्सेज ऑफ इरीगेशन आजादी से पहले इतने सोर्सेस ऑफ इरिगेशन नहीं थे लेकिन आजादी के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी कोशिश करी है सोर्सेस ऑफ इरिगेशन कैनल बनवाए हैं डैम्स बनवाए हैं ताकि फार्मर्स को इरिगेशन के लिए वाटर की जरूरत जो पड़ती है वो पूरी हो सके और पंपिंग सेट्स एंड ट्यूबवेल्स लगवाने के लिए गवर्नमेंट फाइनेंशियल हेल्प भी देती है आ, फार्मर्स को लेकिन इसके बाद भी क्या हो रहा है आज भी इंडिया के ज्यादातर फार्मर्स मॉनसून पे डिपेंड करते हैं और

और एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की जरूरत है चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं। पॉपुलेशन दिस को समझते हैं बोल सकते हैं कि हम लोग दुनिया में नाउ वी आर मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन वर्ल्ड हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया इसी साल ये रिकॉर्ड हम लोगों ने बनाया है। अब ये जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उसको फीड करने के लिए मोर पॉपुलेशन मोर ग्रेन्स मोर फूड राइट अब ये बढ़ती हुई पॉपुलेशन को अगर हमें फीड करना है तो जाहिर सी बात है हमें अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ानी होगी क्यों क्योंकि लैंड तो हम बढ़ा नहीं सकते दूसरी तरफ अगर आप ध्यान दीजिए जो हमारे पास एग्रीकल्चरल लैंड है वो रेलवेज बनाने में रोडवेज बनाने में क्या हो रही है रेलवे लाइन ले की जाती हैं हाईवेज बन रहे हैं नेशनल हाईवेज बन रहे हैं स्टेट हाईवेज बन रहे हैं जो लैंड है एग्रीकल्चर वो भी कम होती जा रही है अब देखिए कितना कॉन्ट्रेडिक्ट्री है एक तरफ तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है राइट और दूसरी तरफ क्या है जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो कंटिन्यूअस घटती जा रही है राइट तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन को अगर हमें खिलाना है तो हमें एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स करने ही होंगे नाउ पांचवा पॉइंट एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स लाइवलीहुड टू मोर देन सिक्सटी परसेंट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन बोला पॉइंट हो गया सिक्स पॉइंट क्या है द राइट ऑफ इनहेरिटेंस हैड ऑलरेडी लेड टू द फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स नेसेसिटेटिंग कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स अब देखिए जैसा कि हम लोगों ने पहले टॉपिक में पढ़ा था टाइप्स ऑफ फार्मिंग में इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से क्या हो रहा था प्लॉट ऑफ लैंड छोटे छोटे होते जा रहे थे हम लोगों ने राबिया आंटी आरिफ और जैद भाई के एग्जाम्पल से समझा था अगर आपने आपने वो वीडियो नहीं देखी है टाइप्स ऑफ फार्मिंग में तो उसे अजाके जरूर देखिए आपको बहुत मजा आएगा और आपको बहुत ज्यादा समझ में भी आएगा अब चूंकि मैंने टेक्नोलॉजिकल क्या क्या, क्या क्या और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों है इसके सिक्स रीजन है पहला रीजन क्या है पहला रीजन है कि एग्रीकल्चर हम लोग थाउजेंड ईयर से प्रैक्टिस कर रहे हैं और दूसरा रीजन क्या है इसी से जुड़ा हुआ बट उसकी इतने इतने पहले से हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं बट एज टाइम पास बाय हमने उसमें टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं किए हैं इसलिए प्रोडक्टिविटी बहुत कम है तो देखिए पहले पॉइंट को एक बार इरेज कर देता हूं इसे देखिए पहले पॉइंट को आप क्लब कर दीजिए पॉइंट से पहला पॉइंट क्या कहता है कि एग्रीकल्चर बहुत समय से की जा रही है और हमारा पांचवा पॉइंट क्या कहता है कि ट ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल फॉर लाइवलीहुड डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर राइट तो ये दो पॉइंट हमारे याद हो गए उसके बाद ये दूसरा दूसरा और तीसरा पॉइंट कैसे आप याद कर सकते हैं दूसरा और तीसरा पॉइंट इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि लैंड को हम कंटिन्यूस यूज किए जा रहे हैं लेकिन हम सॉइल की हेल्थ के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं तो सॉइल की हेल्थ के लिए भी काम करना होगा प्लस जो ज्यादातर फॉर्मर ज्यादातर जो फार्मर्स डिपेंडेंट हैं आज मानसून पे या की नेचुरल फर्टिलिटी पे राइट और उसकी वजह से प्रोडक्ट एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है अनाज का जो प्रोडक्शन है काफी कम हो रहा है राइट तो इन दोनों को क्लब कर दीजिए दूसरे और तीसरे पॉइंट को इस तरीके से लर्न हो जाएगा आपका उसके बाद बचा हमारा चौथा और छठा पॉइंट अब कह रहा है कि पॉपुलेशन ग्रो हो रही है पॉपुलेशन ग्रो हो रही है इसकी वजह से क्या होगा जाहिर सी बात है पॉपुलेशन ग्रो होगा तो राइट ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से जो जमीन के टुकड़े और छोटे होते जाएंगे आप लोग प्लीज वाला टाइप्स ऑफ फार्मिंग वाला वीडियो देखिए आपको बहुत अच्छे से बेसिकली सिक्स रीजन की वजह से हमें एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स जिसमें है, उनकी जरूरत हमें पड़ी है एक चीज और देखते हैं जैसे ये, ये क्या स्लोगन है स्लोगन कहता है सॉयल इज दोल ऑफ द अर्थ बेसिकली जैसे हम लोग जितने जितने भी लिविंग बींग हम लोग हैं अगर सोल निकाल दो क्या होगा डेड बॉडी हो जाएगी राइट right? उसी तरीके से अगर अर्थ पे सॉइल नहीं है तो ना मैं जिंदा रहूंगा ना आप जिंदा रहेंगे कोई भी फॉर्म ऑफ लाइफ विल नॉट सर्वाइव इसलिए जो स्लोगन है बिल्कुल सही कह रहा है कि सॉयल इज द सोल ऑफ द अर्थ राइट तो हमें सॉइल की हेल्थ पे ध्यान देना होगा अब देखिए ये टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल है इंडिया ओवरटेक्स चाइना एज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री आई होप आप लोगों को समझ में आया दोस्तों अगर आपको मजा आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड टॉक्स अबाउट अब हम लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई अगर इतनी प्रॉब्लम है सिक्स सिक्स रीजंस हैं कि हमें एग्रीकल्चर के हेल्थ पे यानी इंडिया में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर है उसको सुधारना है सिक्स रीजंस हैं राइट अगर नहीं सुधारेंगे तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन को हम खिला नहीं पाएंगे आप लोगों ने देखा राइट तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आजादी की बात से कोई कोशिश नहीं कर रही है कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई कोशिशें की है राइट आइए देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या कोशिशें करी है प्राइमरी सेक्टर को यानी एग्रीकल्चर सेक्टर को सुधारने के लिए रिफॉर्म चलाने के लिए एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए फार्मर्स को फाइनेंशियली वेल ऑफ बनाने के लिए आइए देखते हैं सो स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन नाइनटीन एंड नाइनटीन दोस्तों आप लोगों को मैं ये बोलना चाहूंगा आप प्लीज ध्यान दीजिए इसमें नाइनटीन सिक्सटीज नाइनटीन सेवेंटीज एंड काफी इंपॉर्टेंट है इस टाइम पीरियड पे ध्यान दीजिए सिक्सटीज एंड सेवेंटीज आइए देखते हैं क्या क्या स्टेप्स लिए गए मेनली तीन तीन स्टेप्स लिए गए थे आइए देखते हैं स्टेप्स कौन कौन से हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेसिकली इस पर क्वेश्चन थ्री मार्कर क्वेश्चन बन सकता है क्या थ्री मार्कर क्वेश्चन बन सकता है वट एफर्ट्स वेकन बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन नाइनटीन सिक्सटीज एंड सेवेंटीज फॉर द एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स राइट और फॉर द बेनिफिट ऑफ द फार्म फार्मर्स तो देखते हैं क्या क्या स्टेप्स लिएगे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम इसमें बहुत मैटर करता है उसमें नाइनटीन सिक्सटीज सेवेंटीज भी है और नाइनटीन एटीज और नाइनटीज भी है उसको नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे फिर उसको वहां और अच्छे से डिस्कस करेंगे आइए देखते हैं तो क्या क्या गवर्नमेंट स्टेप लिया था एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स टू इंप्रूव इंडियन एग्रीकल्चर इन द नाइनटीन सिक्सटीज एंड नाइनटीन सेवेंटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोशिश करी है वो अलग की बात है ये कोशिश उतनी सफल नहीं हुई या वैसा रिजल्ट नहीं आया जैसा हम सभी ने एक्सपेक्ट किया था आई एक बार देख लेते हैं अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कलेक्टिवाइजेशन कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स कोऑपरेशन एंड एबोल्यूशन ऑफ जमीनदारी एटसेट्रा वर गिवेन प्रायोरिटी टू ब्रिंग अबाउट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आफ्टर इंडिपेंडेंस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करें कौन कौन से करें कलेक्टिवाइजेशन क्या यानी जो लैंड बिखरी पड़ी थी उसको एक जगह लाया अब आपको सम... चलिए हम लोग इन दोनों को समझते हैं कलेक्टिवाइजेशन एंड कंसोलिडेशन इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं वेट देखिए मान लीजिए कि एक फार्मर है मान लीजिए कि एक फार्मर है और उनके छोटे छोटे प्लॉट्स जो रूरल एरिया के स्टूडेंट्स हैं वो भी अर्बन एरिया के भी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी समझ पाएंगे मान लीजिए इनके तीन प्लॉट हैं और ये तीनों अलग अलग विलेजेस में हैं मान लीजिए विलेज ए में है ये विलेज बी में है और ये विलेज सी में है तो इन तीनों अलग अलग जगहों के जो छोटे छोटे प्लॉट्स हैं आप लोग जानते हैं जो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स होती हैं वो इकोनॉमिकली उतनी प्रॉफिटेबल नहीं होती क्योंकि प्लॉट की साइज स्मॉल है और इनको तीन अलग अलग जगहों पर जा करके अपनी फसलों की देखभाल भी करनी होगी अगर क्या किया जाए अगर इन्हीं लैंड होल्डिंग्स को कंसोलिडेट कर दिया जाए तो क्या प्लॉट की साइज बढ़ जाएगी और उनको एक ही जगह पे अपना सारा फोकस करना पड़ेगा उनका टाइम और इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टाइम और मनी दोनों की बचत होगी तो लैंड कंसोलिडेशन यानी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स का मतलब हुआ कि किसी फार्मर्स की जो अलग अलग जगहों पर छोटे प्लॉट्स ऑफ लैंड हैं उनको क्या किया जाएगा उन सबको एक जगह ला दिया जाएगा आइए इसे देखते हैं अब ये क्या किया इनको तीनों प्लॉट ऑफ लैंड को एक जगह कर दिया तो अब अब इनके लिए एग्रीकल्चर करना प्रॉफिटेबल हो गया राइट तो ये हो गया कलेक्टिवाइजेशन एंड कंसोलिडेशन का मतलब उसके बाद क्या हुआ कोऑपरेशन एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी गवर्नमेंट ने अबोल्यूशन ऑफ जमींदारी आइए इस पिक्चर की हेल्प से समझते हैं देखिए अंग्रेजों के जमाने में क्या होता था ये देखिए ब्रिटिशर्स हैं और सारे ब्रिटिशर्स को हिंदी नहीं आती थी राइट अब ये देखिए जमींदार साहब अब ये रहा फार्मर बेचारा अब जमींदार साहब क्या करते थे कि ये इस फार्मर से ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू लैंड रेवेन्यू रे, लैंड टैक्स बोल लीजिए रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा वसूल करते थे और इनको कम से कम देने की कोशिश करते थे तो यानी ये इनसे ज्यादा से ज्यादा ले रहे हैं इनको कम से कम दे रहे हैं राइट बेसिकली बिचौली का काम था लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया इंडिपेंडेंस के बाद ये सिस्टम ही खत्म कर दिया अब पहले ब्रिटिशर्स थे गवर्नमेंट में अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है एक तरफ और दूसरी तरफ फार्मर है there is no जमींदार in between, right? अब क्या होगा? जो इंडिया को करेंगे, right? और जमींदारी एवोल्यूशन जमींदारी, जमींदारी की वजह से एक फायदा और हुआ जमींदार लोग खुद एग्रीकल्चर तो क्या नहीं करते थे एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट पर इतना ध्यान भी नहीं दिया करते थे अब जब हर फार्मर को लगता है कि ये लैंड तो मेरी है और जब तक चाहो मैं इस पर एग्रीकल्चर कर सकता हूँ तो और पूरे मेहनत के साथ दम लगा कर एग्रीकल्चर करते हैं और क्रॉप्स ग्रो करते हैं क्योंकि उनको पता है ये इनकी खुद की लैंड है बस इस सिस्टम में क्या था उनको पता था ये तो जमींदार की लैंड है जब वो चाहेगा हमें भगा देगा या हम किसी और दूसरे को दे देगा तो वो पूरी मेहनत से काम नहीं करते थे राइट तो गवर्नमेंट ने यह किया राइट चलिए तीसरा लैंड रिफॉर्म्स वाज़ द मेन फोकस ऑफ फर्स्ट फाइव ईयर प्लान फर्स्ट फाइव ईयर प्लान हमारा 1951 फर्स्ट फाइव ईयर प्लान हमारा 1951 में इंट्रोड्यूस हुआ था और इस पे मेन फोकस लैंड रिफॉर्म्स पे था और लैंड रिफॉर्म्स का मतलब आप ट्रिपल सी कलेक्टिवाइजेशन कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स कोऑपरेशन एंड एबोलिशन ऑफ जिम्मेदारी ट्रिपल सी एंड एबोलिशन ऑफ जिम्मेदारी ट्रिपल सी एंड ए ये देखिए ट्रिपल सी ट्रिपल सी एंड ए तो कलेक्टिवाइजेशन कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग कोऑपरेशन कोऑपरेशन एंड एबोलिशन ऑफ आप ऐसे कर सकते एबोलिशन ऑफ जिम्मेदारी तरीके से याद कर सकते हैं चलिए अब गवर्नमेंट ने ये जो दो कोशिशें करी तो क्या ये कोशिशें पूरी तरह से सफल थी नहीं देखिए क्या हुआ फोर्थ पॉइंट बताता है द लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वर एनेटेड लॉ तो बन गए राइट बट द इंप्लीमेंटेशन वॉज लैकिंग और ल्यूक वॉर्म इनका जो इंप्लीमेंटेशन था जैसे आज भी लॉज तो हमारे यहां ढेर सारे हैं बट उनका इंप्लीमेंटेशन आप सभी जानते हैं इंप्लीमेंटेशन और उनका इंप्लीमेंटेशन जो अथॉरिटीज करती हैं ना वो आ, पूरी तरीके से एक्चुअली <laughs> हम लोग कोऑपरेट नहीं करते हमारी भी कमी है कमी उस तरफ से भी है राइट तो वही हुआ लैंड रिफॉर्म्स तो आए बट वो उनका इंप्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो पाया राइट आप देखिए सो तो फर्स्ट ये दो अटेम्प किए गए गवर्नमेंट ने तीसरा गवर्नमेंट ने क्या अटेम्प्ट किया गवर्नमेंट ने ग्रीन रेवोल्यूशन व्हाइट रेवोल्यूशन ग्रीन रेवोल्यूशन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया सो so दैट हमारे यहां हम लोग इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन्स सेल्फ सफिशियंट हो सके आजादी से पहले या आजादी के तुरंत बाद हम लोग इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन्स सेल्फ सफिशियंट नहीं थे सेल्फ रिलायंट नहीं थे हमें फॉरन कंट्रीज से हमें अदर कंट्रीज से फूड ग्रेन्स मंगाने पड़ते थे तो आइए देखते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ द ग्रीन रेवोल्यूशन बेस्ड ऑन द यूज ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी याद रखिए ग्रीन रेवोल्यूशन को पैकेज टेक्नोलॉजी भी बोला जाता है क्यों बोला जाता है क्योंकि पैकेज टेक्नोलॉजी पैकेज टेक्नोलॉजी या ग्रीन रेवल्यूशन दोनों एक ही टर्म है मतलब एक ही कॉन्सेप्ट अलग अलग नाम है इसे पैकेज टेक्नोलॉजी इसलिए बोला जाता था क्यों क्योंकि इसमें एच वाई वी सीड्स फर्टिलाइजर्स एंड मॉडर्न टूल्स ऑफ टीलिंग द सॉयल एंड पेस्टिसाइड ये पैकेज ये चारों चीजें इन द फॉर्म ऑफ पैकेज फार्मर्स को प्रोवाइड करी गई थी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राइट एंड व्हाइट रेवोल्यूशन व्हाइट रेवोल्यूशन क्या था मिल्क की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्योंकि हम लोग सेल्फ रिलायंट नहीं थे इन टर्म्स ऑफ मिल्क प्रोडक्शन राइट तो देखते हैं और व्हाइट रेवोल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेशन फ्लड एंड इसका क्रेडिट जाता है विजय कुरियन साहब को ये विजय कुरियन साहब अभी दुनिया में नहीं रहे लेकिन इन्होंने हमको इस पोजिशन में ला दिया है कि आज इंडिया वर्ल्ड का नंबर वन कंट्री है इन टर्म्स ऑफ मिल्क प्रोडक्शन राइट चलिए बट इसके साथ प्रॉब्लम क्या हुई देखिए गवर्नमेंट ने जैसे ये ये दो दूसरे और तीसरे स्टेप्स को लागू किया था बट इसका इंप्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से नहीं हो पाया उसी तरीके से जो ग्रीन रेवोल्यूशन था ग्रीन रेवोल्यूशन का जो आ, असर था या जो इफेक्ट था पूरी कंट्री यानी पूरे हमारे भारत में समान रूप से नहीं था मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे फायदा आप आप लोग जानते हैं लोगों ने पढ़ा भी है ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा फायदा पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश को ही हुआ बाकी इन लोगों ने, इन एरिया के फार्मर्स को ज्यादा फायदा हुआ बाकी बस अदर स्टेट्स के फार्मर्स को इतना फायदा नहीं हुआ तो एक तरीके से क्या होगा इसका जो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो आ, एम था वो अचीव नहीं हो पाया हालांकि हम लोग सेल्फ रिलायंट हो गए इन टर्म्स ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड मिल्क uh, वाला तो बिल्कुल सही है फिर देखते हैं बट दिस टू लेट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट इन फ्यू सिलेक्टेड एरिया तो गवर्नमेंट मेंर्न में तीन चीजें इंट्रोड्यूस कर दीजिए आप, आप लोग तीन चीजें पहला लैंड रिफॉर्म्स लैंड रिफॉर्म्स हम लोगों ने क्या देखा ट्रिपल सी ट्रिपल सी कंसॉलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स दूसरा कोऑपरेशन तीसरा हमारा क्या था एक और था कलेक्टिवाइजेशन कलेक्टिवाइजेशन कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स कोऑपरेशन एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी पहला ये लिया और उसके बाद हमारा जो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान था फर्स्ट फाइव ईयर प्लान था जो नाइनटीन में इंट्रोड्यूस हुआ था उसका मेजर फोकस यही था लैंड रिफॉर्म्स बट क्या हुआ फेल हो गया क्योंकि इसका इंप्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो पाया राइट उसके बाद दो और चीजें गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की क्या ग्रीन रेवोल्यूशन विच इज ऑल्सो नोन एज पैकेज टेक्नोलॉजी एंड व्हाइट रेवोल्यूशन या इसे ऑपरेशन फ्लड भी हम बोलते हैं राइट right? बट इसका फायदा पूरे इंडिया के फार्मर्स को नहीं हो पाया नाउ तो ये बेसिकली एंड यह 70s में गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स उठाए थे उसमें ये दो कमियां रह गई नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड और देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या है नाउ अब एक लोग हम लोग थोड़ा सा ना ये इस पर आप लोग नजर मारे हैं आ, ये हो गया हमारा राइट right? ये हो गया हां इस पर हम लोग ये समझने वाले हैं जैसे आप लोग देख सकते हैं इंडियाज वाइट रेवोल्यूशन फ्लडिंग अ डेरी डेफिशियंट कंट्री विद मिल्क नाउ वी आर नंबर वन इन द होल वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ मिल्क प्रोडक्शन राइट ये देखिए फ्लड ऑपरेशन अब देखिए चूंकि टेक्नोलॉजी में भी हम लोग काफी पीछे देखिए ये मैनुअल हार्वेस्टिंग हो रही है अब ये देखिए क्या था ग्रीन रेवल्यूशन में क्या ग्रीन रेवल्यूशन की यही आ, सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है कि हम यहां से यहां पहुंच गए राइट और पहले देखिए ये जो को इरिगेट करने का ये ट्रेडिशनल तरीका था तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमें ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमें यहां से यहां पहुंचाया राइट ये तो था ग्रीन रेवोल्यूशन का कंसंट्रेशन बट नेगेटिव यही रह गया कि ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा <coughs> पूरी कंट्री के किसानों के यानी पूरी इंडिया में जितने भी फार्मर्स थे यानी हर स्टेट को इक्वली नहीं मिल पाया राइट चले नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और हमारा नेक्स्ट स्लाइड है आ गया जो मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा था आप लोग ध्यान दीजिए वो आ ही गया बेसिकली इसमें ये जो टॉपिक है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स वाला इसमें चार डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में क्या क्या एक नाइनटीन सिक्सटीज और 1970s का पढ़ा जिसमें ट्रिपल सी और एबोलिशन ऑफ जमींदारी आई एंड हम लोगों ने और क्या पढ़ा ग्रीन रेवोल्यूशन एंड मिल्क प्रोडक्शन वाला हम लोगों ने देखा ऑपरेशन फ्लड नाइनटीन सिक्सटीज और 70s, अब हम लोग पढ़ने जा रहे लेकिन उसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर से ट्राई किया क्या ट्राई किया अब ये डेट याद रखिएगा एंड प्लीज पे अटेंशन टू दिस 1980s and 1990s इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं so सो आप लोग कंफ्यूज मत हो 1960s एंड अभी हम लोगों ने पढ़ा जिसमें तीन चीजें हम लोगों ने पढ़ी है <coughs> ना अब हम लोग देखते हैं इरेज कर देता हूं इसे चलिए अब देखते हैं सो इन इनटीन एटीज एंड नाइनटीन नाइनटीज कॉम्प्रीहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम कॉम्प्रीहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड विच इंक्लूडेड इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर राइट एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए इन नाइनटीन एटीज में इसके हम दो पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करेंगे एक तो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स दूसरा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आइए देखते हैं हमारा टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स दूसरा रहा हमारा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म और इट विल कम अंडर द हेडिंग ऑफ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स अब देखिए टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स में क्या क्या है पिक्चर को ध्यान से ऑब्जर्व करिए बहुत ही आ, आपको दिमाग में छप जाएगा याद हो जाएगा आपको देखिए जैसे मैंने हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में आ, पहली वाली स्लाइड में डिस्कस किया था कि सॉयल की भी हेल्थ होती है और सॉयल की हेल्थ को इग्नोर हम नहीं कर सकते थाउजेंड्स ऑफ एग्री थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एग्रीकल्चर किए जा रहे हैं बट आप जानते हैं इंडिया में ज्यादातर वो लोग एग्रीकल्चर फील्ड में है जो आ, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाह रहा बट बोलते हैं ना कि बेटा पढ़ाई कर ले नहीं तो फिर खेती हिस्सा ही करेगा रूरल एरिया में नॉर्मली ऐसा लोग बोलते हैं तो ये सबसे जिस तरीके से पॉलिटिक्स में हमारी कंट्री में पॉलिटिक्स में पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है उसी तरीके से एग्रीकल्चर में भी अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री एक डेवलप्ड कंट्री बने तो एग्रीकल्चर में भी पढ़े लिखे लोगों का आना जरूरी है और अच्छी चीज़ क्या है जिस तरीके से पॉलिटिक्स में पढ़े लिखे लोग आजकल आ रहे हैं उसी तरीके से एग्रीकल्चर में भी आई एंड और भी पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं और चेंज क्लियर दिख रहा है कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर ऑल्सो तो आइए देखिए टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म हम देखेंगे तो जो गवर्नमेंट ने और 1990s में कॉम्प्रीहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया तो उसका हम टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट पढ़ने जा रहे हैं पहला क्या था सॉइल टेस्टिंग देखिए हम हमारी कंट्री में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह की सॉइल पाई जाती है और सॉइल में मेनली क्या होना चाहिए नाइट्रोजन होना चाहिए पोटेशियम होना चाहिए फॉस्फोरस होना चाहिए और कैल्शियम होना चाहिए अगर अब किस स्टेट की सॉइल में किस न्यूट्रिएंट की कमी है यह बिना टेस्टिंग के कैसे पता चलेगा टेस्टिंग होगा तभी पता चलेगा उसी हिसाब से हम उसी टाइप की क्रॉप ग्रो करेंगे और उसी उस न्यूट्रिएंट की कमी को फुलफिल करने के लिए हम क्या करेंगे उसी टाइप के हम लोग फर्टिलाइजर देंगे लेकिन यह चीज पहले नहीं हो रही थी तो टेक्नोलॉजिकल

ध्यान से सुनते जाइए आप पेन पेपर पे नोट कर लीजिएगा पहला सॉइल की टेस्टिंग हो गई ये किसके हेडिंग में आ रहा है टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म है तो सॉइल की टेस्टिंग होने लगी नाइनटीन एटीजी नाइनिस के बाद राइट उसके बाद फर्टिलाइजर्स डिपेंडिंग ऑन सॉइल की टेस्टिंग की किस न्यूट्रीन की कमी है फर्टिलाइजर उसी हिसाब से ऐड किए जाने लगे और उसके बाद एच वाई वी सीड्स एच वाई वी सीड्स जो एच वाई वी सीड्स होते हैं वो ट्रेडिशनल सीड्स के मुकाबले काफी ज्यादा यू नोट पैदावार देते हैं यानी आप बोलिए कि बहुत ज्यादा क्रॉप की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं राइट तो एच वाई बी सीड्स का यूज किया जाने लग गया है ना चलिए अब हम देखते हैं और टेक्नोलॉजिकल में ही और कुछ पॉइंट्स हैं हमारे इसे हम लोग देख लेते हैं उस उसके बाद टेक्नोलॉजिकल में भी और भी चीजें हैं गवर्नमेंट ने और क्या चीजें करी गवर्नमेंट ने वेट लेट मी पुट इट डाउन देखिए कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनको अब देखिए हमारे यहाँ फार्मर्स के पास इतने ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी मॉडर्न टूल्स नहीं होते किसान क्या करते हैं एक तरफ से पानी चढ़ाना खेत में शुरू कर देते हैं पूरी फसल को भर डालते हैं बट कुछ क्रॉप्स ऐसी होते हैं जिनको स्प्रिंकल करो अगर वाटर को तभी काम चल जाता है तो ये भी गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल हेल्प करी फार्मर्स को तो इस तरीके से और गवर्नमेंट ने आ, फार्मर्स में अवेयरनेस भी फैलाई कि भाई कुछ क्रॉप्स हैं उनको स्प्रिंकल करके काम चल सकता है क्योंकि आप जानते हैं कि ओवर इरीगेशन चैप्टर वन चैप्टर नंबर वन में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि लैंड को अगर हम ओवर इरीगेट करते हैं तभी वो डिग्रेड हो जाती है खराब हो जाती है तो ये भी आप लोगों ने देखा उसके बाद अब देखिए जैसे हम लोगों ने पिछली स्लाइड में देखा था कि, कि फार्मर क्या कर रहा है हसीए से सिकल सिकल बोलते हैं मैनुअल लेबर यानी फसल को काट रहा है अब देखिए जो मॉडर्न इक्विपमेंट हैं टेक्नोलॉजिकल में गवर्नमेंट जो है फार्म, फार्मर को सब्सिडीज देती है कि आप हार्वेस्टर खरीद सकिए आप थ्रेशर खरीद सकिए अभी देखिए जैसे ये पैडी की क्रॉप से पैडी को अलग करने के लिए ये टेक्नोलॉजी हालांकि ये ओल्ड हो गई अब तो हार्वेस्टर्स आ गए स्पेशली पंजाब और हरियाणा में राइट उसके बाद देखिए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है पेस्टिसाइड वगैरह पे कि भाई अगर फसल में कोई रोग लग गया है तो आप स्प्रिंकल कर लीजिए राइट पहले स्प्रिंकल करने के लिए ये टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी कोशिश करी उसके बाद आप एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट जो होते हैं आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं आप उनको बुला सकते हैं वो आपकी ग्रोइंग क्रॉप को देखेंगे कि

तो इन सब स्टेप्स लेने के बाद जो एक्सपेक्टेड था क्या क्रॉप की जो क्रॉप का जो क्वालिटी है क्या उसी टाइप की क्रॉप या उतनी ही क्वांटिटी क्वालिटी और क्वांटिटी जितना क्वांटिटी और क्वालिटी फार्मर ने एक्सपेक्ट किया था बिकॉज आफ्टर ऑल एग्रीकल्चर फार्मर का बिजनेस है राइट तो गवर्नमेंट की तरफ से लोग आते हैं और देखते हैं कि जो हम लोगों ने टारगेट सेट करा था क्वालिटी और क्वांटिटी का क्या वो फुलफिल हो रहा है तो ये सारे बहुत अच्छे अच्छे स्टेप्स लिए गए टेक्नोलॉजिकल और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे और गवर्नमेंट कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने तो ऐसी स्कीम्स चलाई हैं कि अगर फार्मर खरीद नहीं सकते तो रेंट कर सकते हैं मॉडर्न इक्विपमेंट को रेंट पे ले जा सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज है अपने आप में और इन मॉडर्न इक्विपमेंट्स को अब जैसे ये, ये जो स्प्रेयर है इन मॉडर्न या ये जो ट्रैक्टर है पहले हल हल और बैल से यू नो पैडी की क्रॉप को यू नो पैडी प्लांटेशन से पहले हर और बैल से काम चलाते हैं थे, हर हर फार्मर इवन टुडे हर कोई इंडिया का हर फार्मर ट्रैक्टर नहीं बाय कर सकता इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं है उसकी है ना तो देखिए इक्विपमेंट टू बी प्रोक्योर्ड ट्रैक्टर कल्टीवेटर्स हार्वेस्टर्स स्प्रेयर्स तो ये टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स लिए गए इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इन एटीज एंड नाइनटीन नाइनटीज इसका असर भी दिख रहा है राइट चलिए नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा टेक्नोलॉजिकल हो गया टेक्नोलॉजिकल हम लोगों ने पढ़ लिया अब हम लोग पढ़ेंगे

आप लोगों को आप लोगों का का क्या ख्याल है आप लोग भी ऐसा फील करते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि इमेजेस से ज़्यादा अलर्न होता है या लाइंस से ज़्यादा अलर्न होता है तो मैंने आई आई वॉज जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग कि आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर शेयर करें और हाँ इसका नोट था आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा आप लोग पी एज इट इज़ डाउनलोड कर सकते हैं और आई मस्ट चल यू कि मैंने हर लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ा है और जितने भी की वर्ड्स है मैंने उनको बहुत अच्छे से हाईलाइट किया है अगर आप लोग लॉन्ग मतलब थ्री मार्कर में फोर मार्कर में फाइव मार्कर में इवन टू मार्कर्स में भी अगर आप लोग इसी तरीके से हाईलाइटर का यूज करेंगे अगर टाइम कम है तो आप लोग अंडरलाइन कर दीजिएगा आई ट्रस्ट मी आप लोग यू कैन गेट फुल ऑन फुल आप लोग कह अरे सर एस एस टी में फुल ऑन फुल मेरे कई स्टूडेंट्स ने पाया है आप लोग भी पा सकते हैं और आपको बोर्ड का एग्जाम छोड़ दीजिए अगर आप इसी तरीके से अगर आप अपने यूनिट टेस्ट या प्री बोर्ड्स में लिखेंगे तो आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं फर्स्ट हैंड हालांकि जो प्री बोर्ड होता है उसमें टीचर्स पूरे मार्क्स नहीं देते हैं देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बच्चों को लगेगा कि मेरी सारी तैयारी हो गई है वो तो पढ़ाई करना छोड़ देगा बट यू विल फील द बेनिफिट तो पी डी एफ से आप इसे जरूर पढ़ें चलिए आगे बढ़ते हैं सो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में गवर्नमेंट ने क्या क्या किया मेनली पांच चीजें की थी पहले पढ़ लेते हैं फिर ट्रिक शेयर करता हूं आप लोगों से कि कैसे लर्न करना है देखिए जन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्राउट फ्लड ड्राउट बोलिए ड्रॉट बोलीजिए प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट फ्लड साइक्लॉन फायर एंड फार्मर जैसे आप देखिए लोग अपने फैक्ट्री का इंश्योरेंस करवाते हैं शॉप का इंश्योरेंस कराते हैं बट फार्मर का क्या धंधा है उसके लिए सोर्स ऑफ इनकम क्या उसकी क्रॉप होती है तो यह बहुत बड़ा बहुत अच्छा स्टेप लिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा <coughs> और इसीलिए देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी शुरू करी गई है अब देखिए क्या हुआ कभी कभी आप लोग ने देखा होगा अक्टूबर अक्टूबर में सितंबर अक्टूबर में हमारे यहां पैडी की हार्वेस्टिंग होती है बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है अक्टूबर में तो क्या होता है देखिए पैडी की क्रॉप भाई साहब की खराब हो गई अब देखिए ये ये वीट की क्रॉप है कभी कभी क्या होता है आप लोगों ने देखा होगा कि वीट की वीट की हार्वेस्टिंग कब होती है मई मई में होती है अप्रैल मई में होती है तो कभी कभी बारिश हो जाती है बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तेज हवाएं चलती हैं तो देखिए इस तरह से फसल बर्बाद हो जाती है और कभी कभी बिल्कुल बारिश नहीं होती तब भी फसल बर्बाद हो जाती है तो एक बहुत अच्छा कदम लिया गया क्रॉप इंश्योरेंस के रूप में फार्मर्स की हेल्प करने के लिए और इतना ही दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं लर्निंग की ट्रिक बाद में शेयर कर बस समझ लेते हैं पहले स्टैब्लिशमेंट ऑफ ध्यान दीजिए ग्रामीण बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्यों ग्रामीण बैंक आप लोग कहेंगे सर बैंक तो पहले ही है ग्रामीण बैंक बनाने की क्या जरूरत है अब देखिए फार्मर तो गांव में रहता है ना तो ग्रामीण बैंक गांव में बैंक से स्टैब्लिश करेगा और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो फार्मर्स को लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देंगी राइट तो देखते हैं फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज टू द फार्मर्स एट लोअर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट सो दो पॉइंट हमारा हो गया अब देखते हैं इसे जरा अब देखिए ये ग्रामीण बैंक है यूपी के अलीगढ़ का राइट उसके बाद तीसरा स्टेप क्या ले गया तीसरा इंस्टीट्यूशनल स्टेप क्या के सी आप लोग क्रेडिट कार्ड तो यूज करते ही होंगे ना बहुत ही आसान है इसको लर्न करना अभी लर्निंग नहीं करेंगे किस, किसान क्रेडिट कार्ड राइट एक्चुअली होता क्या है कि, कि किसी पर्टिकुलर किसान के पास जितनी लैंड होल्डिंग होती है उसकी वैल्यू से थोड़ा सा कम उतना क्रेडिट दे दिया जाता है कि मान लो अगर किसान मान लो अदा नहीं कर पाएगा तो उसकी लैंड हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन बैंकों को तो गारंटी चाहिए तो अच्छी चीज क्या है कि उनको टाइम पे ट्रैक्टर के लिए या एच वाई बी सीड्स के लिए फर्टिलाइजर के लिए फंड्स मिल जाते हैं तो अपनी क्रॉप ग्रो कर लेते हैं है ना चलिए देखिए हो गया अपना किसान क्रेडिट कार्ड चौथा चौथा देखिए गवर्नमेंट ने चौथा बहुत महत्वपूर्ण स्टेप क्या लिया पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस आप लोग ने इसे पैसे के फॉर्म में याद कर सकते हैं पैसा पी ए आई एस ए पैसा बना लो बाद में हटा देना पैसा स्टैंड फॉर पर्सनल इंश्योरेंस पी पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम ये फार्मर्स के लिए है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम आर सम अदर स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द बेनिफिट्स ऑफ फार्मर्स अब इसकी वजह से क्या होगा मान लीजिए फार्मर की डेथ हो जाती है तो उसके जो बीवी बच्चे हैं बच्चों की एजुकेशन कंटिन्यू रह सकती है और भी जो लाइबिलिटीज़ है आ, आफ्टर दैट पर्टिकुलर पर्सन डाइज उसके बच्चों को दिक्कत नहीं होगी पढ़ाई लिखाई के मामले में और जो भी मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड है वो चलता रहेगा है, है ना और हमारा जो है अगला पॉइंट क्या है देख लेते हैं फिर लर्निंग की टिक हम लोग शेयर करते हैं अगला पॉइंट है हमारा बेसिकली सिक्स रिफॉर्म्स में अगला पॉइंट है हमारा स्पेशल वेदर बुलेटिन स्पेशल वेदर बुलेटिन एंड एग्रीकल्चरल प्रोग्राम जैसे हम लोगों ने शेयर किया कि गवर्नमेंट रेडियो और टेलीविजन पे एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट के साथ प्रोग्राम्स किसान किसान भाइयों के लिए प्रोग्राम्स अरेंज करते जिसमें किस तरह की मिट्टी में कौ, किस तरह की फसल बोएं और कौन सा एच सीड उस पर्टिकुलर स्टेट में ग्रो करें तो इससे किसान भाइयों के लिए जो प्रोग्राम चलता है रेडियो और टेलीविजन पे इससे भी बहुत ज्यादा फायदा होता है और वेदर बुलेटिन से क्या फायदा होता है वेदर बुलेटिन से यह फायदा हो जाता है मान लीजिए उनको अपनी फसल की इरिगेशन करनी है और वेदर बुलेटिन में पता चला कि तीन दिन बाद बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है तो वेट कर लेंगे वो या मान लीजिए वो फसल की हार्वेस्टिंग करने वाले हैं और वेदर बुलेटिन में पता चला कि भाई तीन दिन बाद बारिश होने वाली तो रुक जाएंगे थोड़ा सा बाद में फसल की हार्वेस्टिंग करेंगे तो वेदर बुलेटिन और एग्रीकल्चरल प्रोग्राम से किसानों को बहुत फायदा हुआ है मैं एक किसान का बेटा हूं तो मैं इस चीज को समझ सकता हूं अच्छे से राइट जो पिछली स्लाइड में आप लोगों ने देखा पैडी की क्रॉप सबमर्ज हो गई थी फ्लड फ्लड की फ्लड वाटर की वजह से या बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से उस तरह का सीन मैंने अपनी आंखों से देखा है राइट चलिए अब देखिए सिक्स बहुत बड़ा स्टेप गवर्नमेंट लिया गवर्नमेंट ने दो दो कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिए एम एस पी मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड आर पी पी रिमुनरेटिव रिमुनरेटिव प्रोक्योरमेंट देखिए इसको हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं दो कॉन्सेप्ट है इसमें ध्यान दीजिए आप लोग एम एस पी और आर पी पी इसको याद करिए छठा पॉइंट इधर में खत्म हो जाए आपका एमएसपी मतलब क्या हो गया मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट क्या करती है हर फसल का मिनिमम चाहे राबी का सीजन हो चाहे खरीफ का सीजन हो कुछ क्रॉप्स के लिए गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस करती है और कहती है गवर्नमेंट भाई अगर आपको मार्केट में इससे ज्यादा प्राइस मिलेगी तो आप मार्केट में बेचिए अगर मार्केट में इससे कम प्राइस मिलेगी जितना आपने सपोज फार्मर ने अपने राबी की वीट की सोइंग के लिए एक वन थाउजेंड रुपीज खर्च किया राइट और मार्केट में उसकी फसल का रेट उसे सेवन एट हंड्रेड मिल रहा है तो क्या फार्मर का लॉस होगा तो गवर्नमेंट क्या करती है गवर्नमेंट बोलेगी नहीं तो अब मैं तो आपकी आपका वन थाउजेंड खर्च हुआ है तरीका होता है कैलकुलेट करने का उसकी डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे गवर्नमेंट बोलेगी नहीं जी हम तो ट्वेल्व हंड्रेड पर खरीद लेंगे राइट तो इससे क्या होगा एग्जाम्पल मैंने दिया इसी तरह का कुछ होता है कि यानी जितना आपने इनपुट लगाया हो उससे ज्यादा आपको वैल्यू मिल जाएगी तो ये होगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कॉन्सेप्ट अगर मार्केट में उससे ज्यादा रेट मिल रहा है तो फार्मर अपना मार्केट में बेच देगा फिर गवर्नमेंट को नहीं देगा है ना राइट उसके बाद ये जो कॉन्सेप्ट आता है रेमुनरेटिव प्रोक्योरमेंट प्राइस ये स्पेशली याद रखिए आरपीपी रिमोनरेटिव प्रोक्योरमेंट प्राइस ये बेसिकली गन्ना के लिए होता है स्पेशली यूपी uh, की बात करता हूं मैं यूपी में क्या होता है कि जो वेस्टर्न यूपी है वहां पे गन्ना खूब होता है आप लोग जानते हैं शुगर केन के इनके मामले में यूपी नंबर वन है कंट्री में राइट right? तो गन्ने के लिए क्या होता है जो शुगर मिल्स होती है वो फार्मर से uh, जो गवर्नमेंट होते एक रेट निकाल देती है कि भाई फोर क्विंटल जो वेस्टर्न यूपी के स्टूडेंट्स हैं या जो गन्ने की खेती करते हैं वो अच्छे से रिलेट कर पाएंगे जनवरी आई थिंक दिसंबर जनवरी तक रेट आ जाता है कि गन्ना तीन सौ रुपये चार सौ रुपये क्विंटल होगा तो जो जो शुगर मिल्स के मालिक हैं उसी रेट पे प्रोक्योर करेंगे एक मिनट जो शुगर मिल्स के मालिक हैं वो उसी रेट पे प्रोक्योर करेंगे शुगर केन को और पेमेंट इसकी तुरंत नहीं होती शुगर मिल्स के मालिक जो है शुगर को आ, शुगर केन को प्रोक्योर कर लेंगे फिर उसे शुगर बना के फिर उसे बेचेंगे तब इन लोगों को पैसे मिलते हैं इसी तरह का कुछ है गवर्नमेंट इस तरह का अरेंजमेंट बनाया है तो आप दो कॉन्सेप्ट याद रखिए एम एस पी मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है राबी सीजन की क्रॉप के लिए खारिफ सीजन की क्रॉप के लिए और उसके बाद रेम्यनोरेटिव प्रोक्योर प्रोक्योरमेंट प्राइस कि भाई गन्ना चार सौ रुपए क्विंटल जाएगा या तीन सौ रुपए क्विंटल जाएगा गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है स्पेशली शुगर केन के लिए राइट तो अब देखते हैं अब हा इसे आगे पढ़ते हैं पहले तो द गवर्नमेंट अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस सपोर्ट प्राइस रेमरेटिव प्रोक्योरमेंट प्राइस फॉर इंपॉर्टेंट क्रॉप टू चेक ऐसा क्यों किया जाता है टू चेक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स बाई स्पेक्यूलेटर्स एंड मिडिल मैन अब देखिए मिडिल मैन क्या करता है अब देखो जो लोग सिटीज में रहते हैं राइट right? सिटीज में अब देखिए जैसे कि जो पटेटो होता है नॉर्मली सीजन में इसे जो मिडिल मैन होता है उसे खरीद लेता है आ, फाइव टू सिक्स रुपीज पर क्विंटल भैया फाइव टू सिक्स रुपीज पर के लेकिन पोटैटो बिकता कितने में है ट्वेल्व रुपीज फिफ्टीन एटीन अब तो ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव चल रहा है तो देखिए इस इस अगर पिक्चर को आप लोग ध्यान से देखिए देखिए ये फार्मर है फार्मर से इतना ढेर सारा अगर अनाज मतलब बहुत ज्यादा अनाज लिया जाता है तो उनको केवल एक क्वाइन दिया जाता है ये तो हो गया फार्मर देखो मिडिल मैन कैसे करते हैं कैसे करते हैं और इनसे ढेर सारा पैसा लेकर के इनको कुछ मुठ्ठी भर ग्रेन दिया जा रहा है और देखिए ये बाबू बन के बैठे हैं तो गवर्नमेंट ने जानबूझ करके एम और आर पी पी आर पी पी मतलब क्या हुआ रेमेटिव प्रोक्योरमेंट प्राइस ताकि फार्मर्स का ना कर पाए मिडिल राइट? अब जो रेडियो जैसे देखो जो अब देखिए ये अंकल जी हैं रेडियो पे वेदर बुलेटिन सुन ले रहे हैं या ये जो इनका ये प्रोग्राम चल रहा है एग्रीकल्चरल प्रोग्राम चल रहा है कि कौन सा किस टाइप के फर्टिलाइजर Uh, सॉइल में ऐड करें या किस एच सीड्स का इस्तेमाल करें तो इससे बहुत बड़ा फायदा होता है फार्मर्स का अब देखिए ये आ, फार्मर्स एम सब्सिडी इंडिया में फार्मर का मतलब ही होता है गरीब राइट अब आइए पिछले स्लाइड पर अब जो मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों को कि मैं बहुत अच्छे से लर्न करा दूंगा तो देखिए इसमें टोटल सिक्स पॉइंट्स हैं टोटल सिक्स पॉइंट हैं इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग ध्यान दीजिए पिछले स्लाइड पे चलें कि यहीं पे करा दूं देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा एक बार पिछले साइड पर चल लेते हैं पिछले साइड पर चल लेते हैं चल लेते, आप लोगों को दिख जाएगा बेसिकली देखिए इसको ना टोटल सिक्स पॉइंट्स हैं जो लास्ट के दो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं लास्ट के दो पॉइंट्स हैं हमारे एक तो वेदर बुलेटिन हो गया और दूसरा एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स वेदर बुलेटिन और एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स हो गया उसके बाद उसके बाद क्या हो गया हमारा एमएसपी और आरपीपी एमएसपी और आरपीपी इसलिए डिक्लेयर करते हैं गवर्नमेंट ताकि मिडिल मैन एक्सप्लॉयट न कर पाए फार्मर्स का एम एस पी आरपीपी प्लस वेदर बुलेटिन एंड एग्रीकल्चरल प्रोग्राम ये दोनों इधर याद हो गए चले पिछले वाली स्लाइड पे चल के उसको उसकी ट्रिक देखते हैं बहुत ही आसान है बहुत ही आसान है आप लोग ध्यान से सुन लीजिए बस तुरंत याद करा दूंगा अब देखिए देखिए फार्मर अब इसमें पहले जो कॉन्सेप्ट है उसको लिख लेता हूं देखिए मैं शॉर्ट में लिखूंगा देखिए ग्रामीण बैंक प्लस कोऑपरेटिव सोसाइटीज अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज का अगर आपको नाम नहीं याद हो रहा ना बहुत ही आसान सी ट्रिक है हम लोग बोलते हैं ना कि यार सोसाइटी में कोऑपरेट करना चाहिए तो हो गया कोऑपरेटिव सोसाइटी लर्न राइट तो सबसे पहले ग्रामीण बैंक है कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, है उसके पास के सी सी है किसान क्रेडिट कार्ड उसके बाद क्या है पैसा पैसा अभी इसको हम लोग पैसे के फॉर्म में ही याद करेंगे बाद में ए हटा देंगे लिख लिया पैसा इसको ए काट दो और एक हम लोग और क्या मिस कर रहे हैं एक मिस कर रहे हैं इंश्योरेंस का अब देखिए बहुत ही कहानी बना के याद करा दूंगा आप लोगों को क्रॉप इंश्योरेंस देखिए अब यहां से देखिए कैसे याद करना है अब सबसे पहले फार्मर को क्या चाहिए अपने ये फील्ड है फार्मर का ये फार्मर का फील्ड है इसको टिलिंग के लिए उसे ट्रैक्टर चाहिए टिलिंग के लिए सोइल प्रिपेयर करने के लिए उसे ट्रैक्टर चाहिए एचवाईवी सीड चाहिए और फर्टिलाइजर चाहिए उसके क्या उसके, उसके लिए क्या चाहिए टिलिंग के लिए ट्रैक्टर चाहिए राइट फर्टिलाइजर चाहिए और एच वाईवी सीड्स चाहिए इन सब के लिए क्या चाहिए पैसा पैसा कहां से मिलेगा ग्रामीण बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड किसान क्रेडिट कार्ड से तीन जगह से पैसे मिलेंगे अब किसान ने क्या किया सोइंग कर दी क्रॉप की अब दूसरा खतरा क्या हो सकता है क्रॉप डैमेज हो सकती है किससे इसको भी याद करने की बहुत आसान सी ट्रिक है प्लीज आप लोग ध्यान दीजिए हमारी कंट्री में एफ डी बहुत फेमस है एफ डी देखिये एफ डी दो बार लिख दीजिए एफ डी एफ डी क्रॉप के इंश्योरेंस की जरूरत क्यों है क्यों क्योंकि हमारे पास एफ है अरे भाई वो वाली एफ नहीं जो हम आप करते हैं बैंक में एफ एफ मतलब मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ हुआ फायर फ्लड देखिए एफ एफ से से फायर से फ्लड डी से ड्राउट एंड डी से क्या हुआ डिजीज दो बार एफ डी एफ लिख दीजिए तो दो बार एफ डी एफ डी की वजह से क्रॉप इंश्योरेंस की जरूरत है राइट फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं लर्न करा दूंगा बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए पहला फार्मर को अब अपने फील्ड की प्लॉइंग करनी है उसके लिए क्या चाहिए उसे ट्रैक्टर चाहिए उसके बाद सीड एच वी सीड्स चाहिए राइट और क्या चाहिए फर्टिलाइजर चाहिए उसके लिए वो कहां जाएगा ग्रामीण बैंक में जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी जाएगा और के सी सी जो उसके पास है किसान क्रेडिट कार्ड वो यूज करेगा अब फसल तैयार हो रही है क्या चाहिए क्रॉप का इंश्योरेंस चाहिए क्यों क्रॉप का इंश्योरेंस क्यों चाहिए क्योंकि भाई एफडीएफडी है अब आप एफडी एफ डी समझ चुके हैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं करोगे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा राइट चलिए अब ये हमारा हो गया अब FD ये हो गया हमारा क्रॉप इंश्योरेंस हो गया ठीक है लेकिन भाई क्रॉप को तो फार्मर ने किससे बचा लिया क्रॉप को फार्मर ने एफडीएफडी से बचा लिया क्रॉप इंश्योरेंस लेकर के लेकिन मान लो फार्मर को ही यानी किसान को ही खुद कुछ हो गया क्या करेगा वो अगर किसान को खुद कुछ हो गया तो उसके बाद किसकी जरूरत पड़ेगी पैसे की इसलिए किसान पैसा लेता है स पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम तो क्या क्या हमारे चार कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट को भी फिर से रिवीजन करेंगे किसान को ट्रैक्टर चाहिए अपने फील्ड की टीलिंग के लिए ट्रैक्टर चाहिए एच वाई सीड्स चाहिए फर्टिलाइजर चाहिए तो कहां जाएगा ग्रामीण बैंक जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी जाएगा केसीसी के पास जाएगा फसल तैयार हो रही है तो उसने क्रॉप इंश्योरेंस ले ली क्यों क्रॉप इंश्योरेंस ले ली ताकि एफडीएफडी से बचा रहे राइट इसमें साइक्लोन नहीं लिखा है चार भी लिख दोगे तो काफी है अब भाई फसल सेफ हो गई लेकिन मान लीजिए खुद किसान को ही कुछ हो गया तो क्या होगा किसान मान लो कुछ हो गया उसे अब फैमिली के जो लोग बचे हैं सन डॉटर वाइफ क्या चाहिए पैसा चाहिए तो उसने पहले ही पैसा ले रखा है क्या पर्सनल एक्सीडेंट स्कीम पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम पहले ही ले रखा है एनी एनीथिंग हैपेंस टू द फार्मर उसकी जो लोग डिपेंडेंट हैं उनको आ, पैसे मिलेंगे ताकि वो लोग अपनी एज यूजल लाइफ को मेंटेन कर सके और हमारा पांचवा और छठा पॉइंट आप लोग जानते हैं वेदर बुलेटिन एग्रीकल्चरल प्रोग्राम उसके बाद एमएसपी और आरपीपी आई होप यू पीपल एंजॉयड द सेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं थैंक यू सो मच दोस्तों